देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ जब हमने शंट को लगाया। इसका मतलब पहले गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट आ रहा था, शंट लगाने से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ठीक गैल्वेनोमीटर में और शंट में, तो गैल्वेनोमीटर का करंट रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया? हाफ हो गया। तो पहले करंट कितना था? आई। तो अब कितना हो गया? आई जी इक्वल टू आई बाई टू। तो पहला पॉइंट क्लियर है, तो करंट गैल्वेनोमीटर का रिड्यूस हो गया आई बाई टू। आपको क्या बताना है इसमें? शंट की वैल्यू आपको इसमें गिवन है, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बतानी है। शंट का फॉर्मूला यूज कर लें, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी, और आई जी की जगह क्या पुट कर दें? आई बाई टू। तो यहाँ से सॉल्व करके शंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन में करना है। जैसे ये देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगेन, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 990 ओम, तो क्या गिवन है? जी। इन ऑर्डर टू सेंड ओनली 10% ऑफ मेन करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज व्हाट? तो मेरे को कितना करंट भेजना है इसमें? 10%। तो टोटल करंट तो आई है, पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट जाएगा? 10% ऑफ आई। तो आई जी इज इक्वल टू 10% ऑफ आई। तो आई जी की वैल्यू आ गई, जी आपको पता है, शंट का फॉर्मूला लगाएं, शंट की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर कैसे बनता है? वोल्टमीटर में आप एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, तो वोल्टमीटर बना एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने के साथ, तो जितनी रेजिस्टेंस हाई होगी उतना ही बड़ा वोल्टमीटर बनेगा। वो कह रहा है कि मुझे रेंज बढ़ानी नहीं है वोल्टमीटर की, मुझे तो उल्टा कम करनी है। तो अगर मुझे रेंज कम करनी है, और कितनी करनी है? मुझे रेंज करनी है V बाय N। पहले कितनी रीडिंग थी? V, अब कितनी करनी है? V बाय N। तो मुझे इसमें कौन कितनी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगानी पड़ेगी। अब क्या ऐसा करें, मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को लगा दिया तो वोल्टमीटर बन गया, तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस कम कर दो ताकि वोल्टमीटर थोड़ा छोटा बन जाए, रेंज कम हो जाए, काट दूं रेजिस्टेंस आर को थोड़ी सी, नहीं ऐसे कटिंग कैंची लेके कटिंग थोड़ा करेंगे, तो कैसे कम करें रेजिस्टेंस को? हाँ, आर के साथ कोई रेजिस्टेंस एक पैरेलल में लगा दो, क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस लगती है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है सर्किट की? कम हो जाती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि अच्छा भला आपका गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर वी रीड कर रहा था, पर आपने आर के साथ पैरेलल में एस लगा देना है ताकि वो कितना रीड करे? वी बाय एन रीड करे। तो मान लो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था और उसमें पहले वो क्या रीड कर रहा था? वी। उसमें करंट कितना जा रहा था? आई। उसकी रेजिस्टेंस क्या थी? जी। बात खत्म। सेकंड केस में जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हाई थी, तो आपने क्या किया? इसके साथ शंट लगा दी। तब नई रेजिस्टेंस क्या आ गई? गैल्वेनोमीटर एंड शंट की जी इंटू एस बाई जी प्लस एस, और नई वोल्टेज कितनी आ गई? वी डैश। तो वी डैश यहां पर किसके इक्वल है? वी बाय एन। तो आप यहां पर वी बाय एन और आई की जगह वी बाय जी सॉल्व करके ऐसा गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन में जब आपने एक हाई रेजिस्टेंस को कम करना है तो आपने पैरेलल में एस लगा देना है। हालांकि काफी लोग ये समझते हैं कि पैरेलल में लगाने का मतलब एमीटर बन गया, जबकि क्वेश्चन तो वोल्टमीटर का है। भाई रेजिस्टेंस कम करने का और कोई तरीका नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस लगती है तो अपने आप ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम ही हो जाती है। ठीक है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना। अ कैंडिडेट कनेक्ट्स अ मूविंग कॉयल एम मीटर एंड मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस आर एज शोन। इफ वोल्ट मीटर रीड्स 20 वोल्ट एंड एम मीटर रीड्स 4 एम्पियर, तो आर की वैल्यू इसमें क्या होगी? ठीक है यहाँ तक? तो ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है। वो कह रहा है कि इसमें एम मीटर की रीडिंग कितनी है? वोल्ट मीटर 20 है, एम मीटर 4 है। वोल्ट मीटर 20 वोल्ट है, एम मीटर 4 एम्पियर है। आप बस ये बताओ मुझे, 4 एम्पियर करंट आया कुछ इसमें कुछ इसमें, तो R के अंदर जो करंट जाएगा वो 4 एम्पियर से तो कम ही जाएगा। तो रेजिस्टेंस R के अंदर जो करंट जाएगा 4 एम्पियर से कम जाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, तो इसमें करंट क्या होगा? 20 बाय R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटर देन 5। तो यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? ग्रेटर देन 5।
ठीक है यहाँ तक। जैसे ये तो चलो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम सीरीज शंट का क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, इसे इसका आंसर देखो, टेंथ का, टेंथ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ जी एंड करंट आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, एस वन इज द वैल्यू ऑफ शंट विच कन्वर्ट्स इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 टू आई एंड एस टू इज द वैल्यू ऑफ शंट जो रेंज करेगा 2 आई। एस वन एस टू की रेशियो निकालनी है। मतलब क्या? मतलब ये कि गैल्वेनोमीटर है वो कम करंट मेजर कर रहा है आई जी, तो मैं ये चाहता हूँ वो कितना करंट मेजर करे आई, तो मुझे शंट एस वन लगानी पड़ेगी, अगर टू आई एस टू लगानी पड़ेगी, दोनों की रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। पहले केस में शंट का फॉर्मूले में आई की जगह आई, दूसरे केस में शंट के फॉर्मूले में आई की जगह टू आई, बाकी एवरीथिंग इज सेम, दोनों को डिवाइड कर लें आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन अभी किया वैसे हमने, लेकिन थोड़ा सा अलग है, करो जरा ट्राई। अगेन फिर से वही कैंडिडेट है जिसने पहले भी कनेक्शन दिया था, दोबारा कनेक्शन दे रहा है इस बार। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर वी एंड एम मीटर ए, ये रहा वी और ए, एंड रेजिस्टर आर एज शोन। इफ वोल्ट मीटर 10 वोल्ट रीड करता है तो एम मीटर 2 एम्पियर रीड करता है, तो आर की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सी डी के अक्रॉस, ये सी डी, ये क्योंकि ये 10 वोल्ट पे है तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या होगा, एम मीटर और आर के क्रॉस 10 होगा। मान लो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है x, तो x प्लस आर रेजिस्टेंस है, टोटल x प्लस आर इज टोटल v, v कितना है टोटल 10, डिवाइडेड बाय इसमें करंट कितना है एम मीटर में 2, तो x प्लस आर क्या है 5, तो यहां से r क्या आएगा 5 माइनस x, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा लेस देन 5 आएगा, क्योंकि 5 में से कोई चीज सबट्रैक्ट हो रही है तो लेस देन 5। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इन कैलकुलेशंस को करना है। ठीक, ये आप होमवर्क ही लिखें, बाकी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर और सिंपल शंट और आर के फॉर्मूलास हैं।